बैंक साथियों बैंक कर्मचारियों का जो डीए है 11th बाइपार्टाइट के अनुसार है, जो अभी फरवरी 2024 से लेके अप्रैल 2024 तक चलेगा, इसके लिए एक्सपेक्टेड फिगर लेके आज की वीडियो में हम हाजिर हैं। देखते हैं जो पहले डीए चल रहा है बैंक कर्मचारी 48.51% पहले डीए चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये क्या होने वाला है। दोस्तों जैसे कि आपको ध्यान है कि बैंक कर्मचारियों का जो डीओ कैलकुलेशन है 11th बाइपार्टाइट में जो सीपीआई की फिगर के अनुसार कैलकुलेशन होती है, इसके लिए हमें चाहिए अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर 2023 की सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर की फिगर, जो कि हमारे पास दो महीनों की पहुंच चुकी है 138.40 एंड सपोज कर लेते हैं कि इसमें थोड़ा सा माइनर चेंज आएगा 139.20, इससे ज़्यादा भी बढ़ सकता है, लेकिन हम कम से कम 1.1 की बढ़ोतरी लेकर चलते हैं। डीए की कैलकुलेशन क्या होती है, इनका हम एवरेज ले लेंगे 138.90। इसके बाद इसको हम जो बेस ईयर चेंज करने के लिए कन्वर्शन फैक्टर के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2.88 4.93 मल्टीप्लाइंग करने के बाद जो एवरेज आ गई थी, ये मल्टीप्लाइंग जो कन्वर्शन फैक्टर के बाद इसके हमारे पास जो फिगर आ गई है 9131.09। 11th बाइपार्टाइट में जो बेसिक में मर्ज हो चुके डीए के पॉइंट 6352, इसको हम 9131 से माइनस कर देंगे, रिमेनिंग पॉइंट हमारे पास बच जाए 2779.09। इस पॉइंट को हम राउंड ऑफ ले लेंगे, फ्रैक्शन पार्ट को हम नहीं मानेंगे। राउंड ऑफ करने के बाद 4 पॉइंट के ऊपर एक डीए का स्लैब बनता है, डिवाइड कर देंगे 4 से 694.79 स्लैब्स हमारे पास आ चुके हैं एक्सपेक्टेड फिगर्स, इस हिसाब से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कन्वर्शन फैक्टर के अनुसार 0.07, दैट इज़ ए 48.6325। 11th बाइपार्टाइट में अनुसार अगर हम 0.1 की बढ़ोतरी लेकर चलते हैं दिसंबर के सीपीआई फिगर में, तो भी माइनर चेंज आती है, 48.63% डीए होने वाला है एक्सपेक्टेड फिगर फॉर दी फॉर मंथ ऑफ द फरवरी 24 टू अप्रैल 24। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।